Good morning, welcome to SSB Interview selection. Once again, I am along with new video, how to prepare for PPDT and TAT for SSB Interview. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की डेट में सभी बच्चे को TAT की थीम्स, कौन सी पिक्चर लिखें, कैसी थीम बनाए, कैसे प्रोजेक्शन करें, वो सब का परेशानी है. बच्चों के पास थीम नहीं है. आज तक आप हमेशा पिक्चर की जो थीम है वो आप बुकों से देखते थे, मगअप करते थे और अपनी इमेजिनेशन को रेस्ट्रिक्ट करते थे. आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपके पास 1000 थीम होगी. मात्र 10 मिनट में आपने इतनी थीम मिल जाएगी. आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू फर्निश इट. इसलिए वॉच द वीडियो टिल द एंड. Please subscribe my channel, give a valuable comments, any question, any doubt, you can ask anytime in video comments box. I will definitely give you reply appropriately. Okay, without wasting the time, start. जैसा कि आप जानते हो कि आपके पास में story क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आपके पास theme नहीं है. आप अपने आप को project नहीं करते हैं बिल्कुल. आप क्या करते हैं? Mug-up story. जितनी आपने दोस्तों से देखी, किसी कोचिंग से लिया या किसी आपने बुक से पढ़ा, सब मगअप करके आप बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी को साइकोलॉजिस्ट के सामने नहीं दिखाते, जिसकी वजह से आपको वो कभी रिकमेंड नहीं करता. अब आपने अपने आप को प्रोजेक्ट करना है और आपको अपनी कम से कम हज़ारों थीम बनानी है. इसके लिए छोटी सी आपने 10 मिनट से 30 मिनट की आपने मेहनत करनी है. क्या करना है वो बताता हूँ. सबसे पहले आपने 4 से 5 पेज ले लेने हैं, ठीक है. 4 से 5 पेज ले लेने हैं. उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है आज तक आपने क्या किया. आज तक आपने क्या किया, क्या किया आज तक आपने. जैसे आपने रूम की शिफ्टिंग की होगी, दिवाली का डेकोरेशन किया होगा, वाटर पाइप का इंस्टॉलेशन किया होगा, न्यू डीटीएच कनेक्शन लिया होगा, मोटरसाइकिल की सर्विस कराई होगी आपने, ठीक है. किसी के बर्थडे में गए होंगे, गिफ्ट परचेज किया होगा, ठीक है. आप बोलेंगे सर गिफ्ट परचेज में कैसे हो? गिफ्ट परचेज करने से पहले फैमिली से डिस्कस करते हैं, बाजार में जाओगे, गिफ्ट खरीदोगे, रैपिंग कराओगे, टाइम से पहले पहुंचोगे, उनकी हेल्प कराओगे, गिफ्ट दोगे, एंजॉय करोगे, वापस आओगे. स्टोरी आपने आज तक क्या क्या किया है वो पूरा आपने लिखना है एक पेपर में. जैसे मैंने आपको बता दिया, न्यू मीटर कनेक्शन लिया, डीटीएस नया कनेक्शन लिया, मोटरसाइकिल की सर्विस कराई, आपने किसी बर्थडे को ऑर्गेनाइज किया या अटेंड किया, अपने भाई की शादी में किया आपने, तो ये चीज़ें आपने एक लिस्ट बना दी. उसके बाद में आपने क्या करना है, जो आप कर रहे हो ये किसके लिए है. जैसे कोई जॉब कर रहा है, कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, कोई किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हैं उसकी आपने लिस्ट बनानी है. कैसे लिस्ट बनानी है, जैसे आप क्या करते हैं वहाँ पे, किसी की कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, या आपने नया ऑफिस खोलना है कोई, वहाँ पे नई ब्रांच खोलनी, तो वो वाली आपकी थीम हो सकती है. उसके बाद में आपने वहाँ पे ऑफिस में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना है, वहाँ पे कोई टी पार्टी ऑर्गेनाइज करानी है, या कोई आपने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करानी है, या आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो ये चीज़ें आपके पर्टिकुलर रिलेटेड किससे होगी, आपकी जॉब से, जो आप वहाँ पे जॉब या कोई काम कर रहे हैं उनके लिए है. तो ये दोनों उनके लिए हो जाएगी. और ये चीज़ स्टूडेंट के लिए भी लागू है. यदि वो स्टूडेंट है तो आप स्कूल में क्या करते हो, स्कूल में क्या करते हो, आप डिबेट करते हो. स्कूल में आपने कोई डिबेट कराया, कोई गेम ऑर्गेनाइज कराया, गेम में फंक्शन पार्टिसिपेट किया, किसी गेम की प्रैक्टिस करी, कुछ भी किया, वो सब आप इसमें, आपने सिर्फ लिस्ट बनानी है, ठीक है. आपने सिर्फ क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है. उसके बाद में आपने क्या करना है, प्लेस यू विजिटेड. आप जिस जिस प्लेस में आज तक घूमे हो, जैसे आप यहाँ से गए ऋषिकेश, देहरादून गए, आप कैसे गए, ठीक है. आपने सबसे उससे पहले क्या किया, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, टिकट, फिर उसके बाद टिकट कंफर्म, पहले सर्च किया होगा, फिर टिकट बनाई होगी, कंफर्मेशन किया होगा, फिर आप गए वहाँ बैठे होंगे, तो रात बीच में मिले होंगे, दो चार इंटरेक्शन हुआ होगा, वहाँ पहुँचे, आपने घूमे, क्या क्या देखा, एंजॉय किया, दोस्तों के साथ वापस आ गए, ये आपकी थीम, ठीक है. इसके बाद में आपने
नेक्स्ट पेज में बनाना है कि आज तक आपने क्या ऑर्गेनाइज किया है, क्या सुपरवाइज किया, क्या मैनेज किया, ठीक है। जैसे आपने किसी के बर्थडे में जाके आपने किसी की हेल्प करी होगी, अपने यंगर ब्रदर का या अल्डर ब्रदर का बर्थडे बनाया होगा, पेरेंट्स का बनाया होगा, ठीक है। आपने कोई डिबेट हो रहा, डिबेट ऑर्गेनाइज कराया होगा आपने, ठीक है। आपने यहाँ कोई कंपनी में टी पार्टी हो, या आपने कोई कोई डेलीगेशन आ रहा है उसको रिसीव किया होगा, उनका अकोमोडेशन से लेके उनका बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेल्प है वो पूरी की होगी, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद आपकी चौथी लिस्ट होगी एक्सपोजर की। अब एक्सपोजर में क्या आता है कि आपने जो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखी है, जो आपने अपनी हॉबीज लिखी है, उसके रिलेटेड आपकी थीम कैसे होगी। जैसे आप गए घूमने मनाली, अब मनाली में आपने क्या क्या एडवेंचर्स किया, वहाँ पे जाके आपने पैराग्लाइडिंग की, आपने जो भी किया, कैसे किया, क्या क्या चीज़ की, कैसे गए, वो आपका हो गया, वो आपके एक्सपोजर में काउंट होगा। वही चीज़ आपके इंटरव्यू में पूछा जाए, तो ये चीज़ें आप उन्हें लिखने राइट करने पेपर के ऊपर। उसके बाद में जो सबसे लास्ट चीज़ है, आपने सर्च करना है कि जो एक्सीडेंट होता है, जैसे आपको पता है जो थीम आती है एक्सीडेंट की आती है, या कहीं आपके कोई आग लगी हुई आगी, तो ये चीज़ें आती हैं, तो इनको कैसे हैंडल करना, वो भी एक्सपोजर में आता आपका, ठीक है। अब इनको कैसे हैंडल करोगे कि आपने एक्सीडेंट हो गया तो उसको पहले आपने फर्स्ट एड देना है, फर्स्ट एड देने के बाद में आपको दो बंदे भी हेल्प चाहिए उसको लेना है, फर्स्ट एड कहाँ से दोगे, आपने गाड़ी के उसके फर्स्ट एड बॉक्स से लेना है, फिर उसको उठाना है दो बंदों से, या ज़्यादा इंजर्ड है तो उसको स्ट्रेचर देना है, ठीक है, या चार बंदों से पकड़ के उसको गाड़ी में शिफ्ट करना है, फिर उसको लेके जाना है, फिर वहाँ पर एडमिट कराना, तो ये चीज़ें आपकी पिक्चर में आपने क्या क्या किया है वो चीज़ आपने नोट करनी है। इसके बाद में जो सबसे लास्ट चीज़ है वो आपने क्या करनी है, इसके बाद में आपने क्या करनी है, पूरी लिस्ट को एक पांच जो लिस्ट बन गई उस लिस्ट को आपने देखना है आराम से। अब उनके ऊपर आपने स्टोरी बनानी है। अब आप सोचो एक बंदे के पास में कितनी थीम हो गई, हुई नहीं, तो इसी के हिसाब से आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की मगअप करने की। आप जब पहले पिक्चर देखते हो तो देखने के बाद में यदि आपने सारी चीज़ें की हैं तो अपने आप को उसमें देखो, आपको पक्का तीन चार थीम मिल जाएगी जो उससे रिलेवेंट हो, उसके हिसाब से आप अपनी स्टोरी बना दीजिए। बिल्कुल सिंपल स्टोरी होगी, ग्राउंड स्टोरी होगी, रियल स्टोरी होगी, क्योंकि आपने वो चीज़ की हुई है, ठीक है। दूसरा, अब इसके बाद में एक चीज़ और करना शुरू कर देना जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज से अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, जैसे आपका पेरेंट्स डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो आप उसके पिताजी से पूछना, अपने पापा से पूछना कि किसी भी ऑपरेशन या कोई भी करने से, या ऑपरेशन करता है या कोई भी चीज़ करता है, उससे पहले वो क्या क्या चीज़ करते हैं, ठीक है, या डिस्चार्ज करना है तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। ऐसे जो भी जिसका भी पिताजी जिस भी फील्ड से है, या मदर कोई वर्किंग है तो मदर जिस फील्ड से है, वो चीज़ें कैसे कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में आपका ज्ञान होना चाहिए। आपका फादर आर्मी में सर्विस करता है तो वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करते हैं, ठीक है, उनसे छोटी छोटी ज्ञान लेना, जिससे आपको बहुत सी थीम मिलेगी, ठीक है। ये आप सारी नोट डाउन करना, उसके बारे में छोटी छोटी थीम, मैं आपको भी 25-30 थीम बताता हूँ जिसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे नया घर कंस्ट्रक्शन कराना हो, कहीं गेट लगाना है आपने, रूम की शिफ्टिंग करनी है, वायरिंग करवानी है, वाटर पाइप का इंस्टॉलेशन कराना है, मीटर नया कनेक्शन लगाना है, मोटरसाइकिल की सर्विस करानी है, कर्टेन परचेज करना है, आपने बर्थडे का गिफ्ट देना है, मैरिज अटेंड करनी है, कहीं बोरवेल लगाना है, किसी ने अपना नया गार्डन लगाना घर के सामने, कार परचेजिंग करनी है, स्टोरेज जो है अपना स्टोरेज बनाना कहीं भी पीछे, आपने गाड़ी की पार्किंग बनानी है, आपने सिस्टम मैरिज अरेंजमेंट करनी है, रूफ लीकेज हो गया उसकी आपने मेंटेनेंस करना है, फॉल सीलिंग करानी है, कूलर रिपेयर करना है, वॉशिंग मशीन रिपेयर करवानी है, जो भी चीज़ करवानी है आपने सारी बन सकती है। ट्रांसपोर्ट का जब आप करना है, आपने कहीं से एक जगह दूसरी जगह जाना है, तो ये सारी थीम है, सारी स्टोरी है, आप इसको मैनेज किए, इसके हिसाब से आप लिखिए और आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आपको थीम चाहिए तो मैं एडिशनल आपको बताऊँगा। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको होप काफ़ी चीज़ मिला होगा, आप इसको इम्प्लीमेंट किए, जस्ट 30 मिनट्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई होप यू डेफिनेटली गेट समथिंग।
Please, I request you, please subscribe my channel. Keep your valuable comments. You can ask any question and any doubts in comments box. I will definitely give you reply, and anything you want from my side, you can mail me also. Okay. Thank you for watching the video. Thank you so much.